हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं विशाल गोलिया और मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूं और इस समय मैं हूं श्री सैलम में और अब मैं जा रहा हूं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने को ले चलता हूं। तो चलिए मेरे साथ और एक बार बोलिए हर हर महादेव। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा मंदिर की स्थापना के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अर्थात मल्लिका यानी पार्वती माँ, अर्जुन मतलब भगवान शिव। तो दोस्तों जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उसकी स्थापना कुछ ऐसे हुई थी कि एक बार जब कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश भगवान दोनों का विवाह होना था, लेकिन उन लोगों में आपस में ये हुआ कि पहले विवाह कौन करेगा, तो इसके लिए वो दोनों मिलके माता पार्वती और भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव ने और माता पार्वती ने दोनों को बोला कि आप लोग संपूर्ण पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर 7 परिक्रमा लगा के आइए, जो सबसे पहले आएगा उसका विवाह सबसे पहले हो जाएगा। तो ऐसे ही कार्तिकेय जी चले गए अपने वाहन मोर पर और श्री गणेश को लगा कि मैं अपने वाहन चूहे पर बैठ के कैसे जल्द से जल्द परिक्रमा करूँगा। तो गणेश जी ने एक बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया और माता पार्वती और भगवान शिव के 7 बार चक्कर लगा के 7 बार परिक्रमा करके उनकी विधिवत पूजा करके अपनी जो पृथ्वी की संपूर्ण यात्रा को संपूर्ण किया। और उसके बाद दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश भगवान की शादी रिद्धि सिद्धि से करा दी। और जब कार्तिकेय भगवान को ये पता चलता है कि जब वो अपनी यात्रा को, अपना परिक्रमा को संपूर्ण करके जब वापस लौटते हैं, तो उन्हें पता चलता है श्री गणेश भगवान की तो शादी हो चुकी है। तो इसी कारणवश दोस्तों भगवान कार्तिकेय को क्रोध आया और वो क्रोश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए, क्रोश पर्वत की ओर एकांत में चले गए। तो जब इस बात का पता माँ पार्वती को चलता है, तो वो नारद मुनि को भेजती है कि कार्तिकेय को मना कर लेके आए, लेकिन नारद मुनि जी की कार्तिकेय नहीं मानते और वो वापस कैलाश पर नहीं आते। तो इसीलिए दोस्तों माँ पार्वती बोलती हैं भगवान शिव से कि चलिए अपने पुत्र को मना के लेके आते हैं। तो माँ पार्वती और भगवान शिव क्रोश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान कार्तिकेय को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय क्रोश पर्वत से 30 किलोमीटर के दूरी पर चले जाते हैं और वहाँ पर कार्तिकेय भगवान मिलते नहीं हैं माँ पार्वती और शिव को। तो इसी वजह से बार बार माँ पार्वती और भगवान शिव क्रोश पर्वत की ओर जाते रहते हैं बारी बारी से। और इसी कारणवश जो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्योंकि मल्लिका यानी माँ पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को संबोधित है। तो इसी यही मंदिर का इतिहास है दोस्तों, ऐसे ही मंदिर थी जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, इसकी स्थापना की गई थी। और अगर मेरी जानकारी में कुछ त्रुटि है या गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी चाहूँगा।